जनो मेरे मित्रगणों, यहाँ पर सभी उपस्थित जनों को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम कश्य शर्मा है, मैं कक्षा 4 प्लान में अध्ययन करती हूँ। संत कबीर दास जी ने अपने दोहे में क्या खूब कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात जो कार्य हमें कल करना है क्यों ना उसे आज ही कर ले, और जो कार्य हमें आज करना है क्यों ना उसे अभी ही कर ले। समय का कुछ भरोसा नहीं कि कल क्या हो जाए। जी हाँ, आज मैं आपको मेरे इस वक्तव्य के द्वारा समय के सदुपयोग के विषय में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। मानव जीवन में समय की अहम भूमिका है। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वो जीवन में प्रगति के पथ पर जाता है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ करता है वो असफल रहता है। ईश्वर ने जब इस संसार को रचा तो सबको बराबर समय दिया। जो 24 घंटे ईश्वर ने आपको दिए वही मेरे पास है। वही 24 घंटे सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर तथा अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को भी दिए, जिससे वो मेहनत करके आज वो इस मुकाम पर पहुंचे। समय के सदुपयोग में निर्बल को सफल, निर्धन को धनवान तथा मूर्ख को भी विद्वान बना दिया। जिन लोगों ने समय के रहस्य को जाना तथा उसका सही प्रबंधन किया वह आगे चलकर महापुरुष, मेधावी तथा विद्वान कहलाए, जैसे गांधी जी, दयानंद सरस्वती जी, तुलसीदास जी और रानी लक्ष्मीबाई आदि। समय बड़ा बलवान होता है। एक विद्यार्थी के जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो विद्यार्थी अपने समय को व्यर्थ किए बिना समय पर सारा काम करता है वह आगे चलकर सबके लिए आदर्श बनता है। इसकी सबसे अच्छी सीख हमें प्रकृति से लेनी चाहिए, वह भी अपना कार्य समय के अनुसार करती है। जैसे रात दिन समय पर ही होते हैं, मौसम में भी समय समय पर बदलाव होता है। कल्पना कीजिए, यदि सूर्य समय पर ना होगे तो क्या होगा, बारिश समय पर ना हो तो क्या होगा। हम सभी अपने अपने जीवन में समय का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले जीवन में सुबह जल्दी उठने का नियम बनाए, देर तक सोने वाले को कुछ हासिल नहीं हुआ। दूसरी बात, आलस को त्यागना होगा। समय गतिमान है, वह किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। वो कहावत है ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए खेत। नेपोलियन युद्ध के मैदान में मात्र 5 मिनट देरी से पहुंचा, वह पराजित हो गया। हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, उसे प्राप्त करने के लिए उस पर प्रतिदिन मेहनत करें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उठो जागो और तब तक मंत्र को जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। खाली में बैठकर कुछ ना कुछ करने की आदत डालें। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। रुचि के अनुसार पुस्तकें पढ़ें जिससे ज्ञान बढ़ेगा। कुछ ना कुछ नया जीवन में करते रहें। संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान धन समय को माना गया है। धन यदि खर्च हो जाए तो वापस उसे कहा जाता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आशा करती हूँ आज से हम सभी समय का सदुपयोग करेंगे, क्योंकि समय के सदुपयोग से ही हम मनुष्य का मानसिक तथा शारीरिक विकास होता है। धन्यवाद।